Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at An Academy CSIR Net channel. क्या है ये, इसके बारे में भी बात करेंगे. आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं. देखिए, ये जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट को, कुछ कंसेप्ट को, उसके की पॉइंट्स को और कौन से प्रिकॉशनेबल पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में. सो आज का टॉपिक है वेक्टर सब स्पेस. ये कंटिन्यूशन है वेक्टर स्पेस का ही. देखिए, वेक्टर स्पेस के बारे में हम जान चुके हैं भाई, क्या उसमें इंटरनल कंपोजिशन था, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या था, राइट, कैसे वो वेक्टर स्पेस बना और कौन कौन से पॉइंट है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस को डील कर रहे हों. आफ्टर दैट हमने कुछ उसके एग्जाम्पल्स भी किए थे, चलिए अभी रिकॉल करेंगे. बट मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको. टूडे द पर्पज ऑफ दिस क्लास इज जस्ट टू रिकॉल the vector space, then we will discuss about the subspace, कौन कौन से test हैं, one step test or two step test, जिसके through हम questions को deal करते हैं, then उसके बाद हम कुछ examples करेंगे इनके vector subspace के और direct sum के बारे में भी आज हम जानेंगे, ठीक है ना? So vector direct sum of the vector spaces, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं formally. सबसे पहले मेरी other classes कौन कौन सी हैं. So the first one is an important class, jiska timing 11:30, I think 11 AM, not 11:30, 11 AM hai, jo ki Monday to Friday hoti hai, aur isme main important questions ko discuss karta hu. Important questions means yahan par dekhiye, is class ka jo main purpose hai, wo purpose hai just to develop your thought, ki kis thought ko hum use kare so that we can easily handle the question in a examination. Important questions yani ki wo questions जिनके अंदर कुछ टेक्निक छिपी हुई है या कुछ ऐसी बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस में डिस्कस किए जाते हैं. ये वेरियस एग्जामिनेशंस के हैं, सीएसआईआर नेट के भी क्वेश्चंस हैं, गेट के भी क्वेश्चंस हैं और अदर इंपॉर्टेंट जो भी एग्जामिनेशंस हो रही हैं उन सब के क्वेश्चंस होते हैं. और ये होता है प्लेटफॉर्म इसका अनअकैडमी सीएसआईआर नेट. जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा अनअकैडमी सीएसआईआर नेट क्या है. अनअकैडमी सीएसआईआर नेट एक चैनल है यूट्यूब पर. फॉर्मली इसको जो है, फॉर्मली इसका नाम था Wi-Fi Study CSIR Net Channel. So, आप किसी से भी सर्च कर सकते हैं, दोनों में से आप एक ही प्लेस पे पहुंचेंगे. इसका पर्पस है जो भी हम वीडियोस बनाते हैं, जो भी हम लाइव क्लासेस लेते हैं आपके YouTube पर, उन सबको एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर करना. सो दैट मीन्स व्हाट ही विल डू, आप यहाँ पर जाकर के ये सारी क्लासेस जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. अनदर वन इज अ रेगुलर क्लास जो की मंडे टू फ्राइडे होती है और इसका टाइमिंग होता है 5 PM, जैसे कि ये रेगुलर क्लास है और रेगुलर क्लास में आप डिस्कस कर रहे हो. इसके अंदर हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि सीएसआईआर नेट का टॉपिक है, सिलेबस का. नाउ देन उसी के बारे में डिस्कस करते हैं क्या क्या की पॉइंट है, क्या प्रिकॉशनेबल पॉइंट्स हैं, किन चीजों को ध्यान करना चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चंस में किन पॉइंटों को अप्लाई करना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करते हैं. और इसका जो प्लेटफॉर्म है ये भी आपका अनअकैडमी सीएसआईआर नेट चैनल ही है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है. ये दोनों ही लेक्चर्स, दोनों ही वीडियोस आपको इजीली और फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्या है, क्या सारे क्लासेस अनअकैडमी सीएसआईआर नेट चैनल पर ही हैं? तो आंसर आता है नो. अदर क्लासेस भी हैं. कौन कौन सी? स्पेशल क्लास, अनदर वन इज प्लेटफॉर्म जिसका प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, सिर्फ अनअकैडमी. क्या सर आप एक्सेस, क्या हम लोग ऐसे एक्सेस कर सकते हैं? श्योर, यू कैन एक्सेस दिस क्लास, दिस इज आल्सो द फ्री क्लास. बट आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा, देन ओनली यू कैन एक्सेस. द टाइमिंग्स आर 8:30 AM एंड 4:30 PM, ठीक है. सो बट इसका टाइमिंग चेंज होता रहता है, दैट इज अ मच बेटर कि आप फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखें, जिससे कि आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पता लगता रहे, वरना बेटर टाइमिंग नहीं पता लगेगा, ठीक है. सो दैट्स अ थिंग. इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हों, ऐसे क्वेश्चंस को. अनदर वन इज अ प्लस क्लासेस जिसका प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी. इसका टाइमिंग होता है 11 AM. इसमें मैं रियल एनालिसिस शुरू करने वाला हूँ. रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस मतलब फील करना, एक ऐसा एनालिसिस जो कि मैं कहूँ कि सेट से शुरू करते हैं. सेट हो गया आपका, मतलब नेबरहुड से स्टार्ट करेंगे हम. ओके, इंटरवल हो आपका, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेट की भी, हमने कैसे सेट बना, फिर हम फंक्शंस की बात करेंगे, उससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द सेट्स की बात करेंगे. फंक्शंस बना लिए हमने, फंक्शंस के बाद हम आगे फर्दर अप्रोच करेंगे, यानी कि कैसे हम इसको जनरलाइज करते हैं, कैसे हम एनालिसिस करते हैं,
रियल नंबर्स का. ओके, सो दिस इज अ टॉपिक जिसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे, चाहे ज्योमेट्री की स्पेस के क्वेश्चंस हो, क्या क्या और किस किस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आते हैं, किन पॉइंटों को हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें. सो इसके लिए लेकिन आपको क्या होगा, क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? नहीं बेटा, इसके लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन. और सब्सक्रिप्शन लेने का क्या प्रोसेस है, आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्रोसेस मैं अभी आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या होते हैं बेटा. ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सभी जो है जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लासेस के. देन यू कैन एक्सेस टू ऑल द एजुकेटर दैट आर अवेलेबल ऑन द अर्न अकेडमी. सेकेंड थिंग इज दैट वन. ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिसके थ्रू आप कर सकते हैं. और लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, डाउट क्लासेस होंगे, ये सब आप यहाँ पर आ सकते हैं, उसके अंदर अटेंड कर सकते हैं. ठीक है ना. नाउ देन, तो चलिए मैं बता देता हूँ कैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे. हाउ टू टेक सब्सक्रिप्शन. अन अकेडमी अ लर्निंग ऐप. आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और इसको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को लिखना है वहां पर, एंड यू विल गेट दिस एप्लीकेशन ऐप. ओके, सो लर्निंग ऐप आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में, अकाउंट बनाएंगे उसके ऊपर, उसके बाद जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी पर, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पे एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन एंड यू विल रीच टू दिस पेज. इस पेज पे आपको बताया गया है 1 month, 3 month, 6 month, 12 month और 24 month के सब्सक्रिप्शन का डिटेल दिया गया है. ठीक है ना बेटा. सो बस मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहूंगा, जैसे ही आप ये यूज करेंगे कोड अमितस 10, तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा 10% ऑफ का. यू विल गेट द, वो 10% जो होता है, ये हर एक अमाउंट को देखो दिखा दिया गया है रेस्पेक्टिवली यहाँ कि इस तरीके से जो 11,550 का अमाउंट था वो 10,395 में कन्वर्ट हो जाएगा. सो यू कैन क्लिक ऑन द प्रोसीड टू पे. जैसे ही प्रोसीड टू पे किया है आपने, आप पहुंच जाएंगे एक पेज पर जिसपे वो आपसे पूछेगा ऑप्शंस, भाई नेट बैंकिंग का ऑप्शंस जो है, कौन आपने जो है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, दीज आर द थिंग्स. EMI ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल. जो भी ऑप्शन आप ऑप्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा, यू विल जस्ट गेट योर प्लस क्लासेस सब्सक्रिप्शन. बहुत कॉस्टली नहीं है, आप सभी लोग ले सकते हैं, बट इसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ले लीजिएगा. मेरे लिए गुड ये है कि आप इस कोड को यूज करें, दैट शोज दैट कि हाँ आप इस टीचर के लिए ले रहे हैं. हाउएवर आप सभी टीचर को एक्सेस कर सकते हो बाई यूजिंग दिस कोड. ठीक है बेटा, ना चलिए मूव करते हैं. सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं वेक्टर स्पेस को. वेक्टर स्पेस में आपने क्या क्या पढ़ा था, चलिए याद कीजिए. आपने पढ़ा था इंटरनल कंपोजिशन. क्या क्या? इंटरनल कंपोजिशन, यानी कि हम कोई भी एलिमेंट ले, वेक्टर स्पेस के ही हमने एलिमेंट्स लिए और उसके बाद क्या किया उनका हम जो बटावर द ऑपरेशन, बिकॉज देर इज ए नथिंग. एक सेट हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था, दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट विद दिस वन एंड एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस टू इटसेल्फ ए. तो हमने क्या कहा था, दिस एफ इज कॉल्ड द इंटरनल कंपोजिशन. इसके बाद हमने बात की थी एक्सटर्नल कंपोजिशन की. एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक मिनट. एक्सटर्नल कंपोजिशन, अब ये वर्ड जो था एक्सटर्नल, इसने ही हमें क्या हिंट किया था. देखो यहां तो सेट का इटसेल्फ से कार्टेशियन प्रोडक्ट था, लेकिन हमने कहा था एक सेट ए है नॉन एम्प्टी सेट और दूसरा कोई आपके पास एफ है, इसकी जगह ए की जगह हमने वी ले लिया था. ठीक है, सो द मैपिंग इज फ्रॉम टू मेंबर, किसके मिले, एफ के मिले. तब हमने कहा था कि भाई ए और एफ या वी और एफ दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ऐसा ऑपरेशन इसको स्टार को, इस स्टार भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्टार बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग एफ से डिनोट करते हैं न्यूमेटर. तो हम कहते थे कि अगर ऐसा हो तो हमने बोल दिया था कि ये हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन हो जाता है. इसके बाद हमने वेक्टर स्पेस को स्टडी किया था. वेक्टर स्पेस में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैं कुछ ही प्रॉपर्टीज को रिकॉल कराऊंगा, क्या वेक्टर अंडर एडिशन, क्योंकि हम दो बाइनरी ऑपरेशंस लेके चले थे, क्या भाई एक स्टार वन और स्टार
2. स्टार 1 को हमने एडिशन मान लिया था और इसको हमने मल्टीप्लीकेशन मान लिया था, राइट? सो दैट्स अ थिंग. सो हमने कहा था अंडर एडिशन वी, द सेट वी जो हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेके चले हैं, दैट मस्ट बी अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप. क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि देखो बेटा, इसी का ही आप इसी से ही डिस्कार्ड करते हो बहुत सारी. अबेलियन ग्रुप है तो इसका मतलब इसमें एडिटिव आइडेंटिटी है, सो दैट मींस उसी का हम यूज करते हैं, ठीक है ना? तो दैट्स द थिंग. एंड रेस्ट प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो देयर, ठीक है? जैसा कि हमने इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन से एडिशन ऑफ द वैक्टर्स ओवर द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, सो कई सारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, वन ऑफ द वन इंटू एक्स, जहाँ वन आइडेंटिटी यूनिटी थी फील्ड की, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस की थी. बट इसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर हम चलते हैं. हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे और मैंने कहा था ये चार एग्जाम्पल आप भूलना नहीं. फर्स्ट क्या मैंने कहा, अगर एफ कोई मेरे पास फील्ड है, ठीक है, एफ अगर मेरे पास फील्ड है तो एफ एन ओवर एफ विल बी द वेक्टर स्पेस. दैट वाज अ जनरल स्टेटमेंट. यानी कि क्या हुआ, मैंने कहा आर मेरे पास फील्ड है, सो आर एन ओवर आर विल बी द वेक्टर स्पेस. अब इसमें आप समझ जाइए, एन की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूं, दैट मींस एन कैन बी द वन. तो एन को वन वन होते ही क्या होगा, आर ओवर आर. So what happened? That means field over field. ये बात भी हमने आपसे कही थी कि field over field. Field over field is a vector space, is a vector space. So या अब अगर हमने n की value 2 रख दी तो यहाँ पर 2 बन जाएगा. 2 over this is a vector space and so on. Similarly जब हमने ये कहा कि field की इनकी बातों को देखना है, यहीं से ही हमने एक और गणना की थी कि भाई देखो q root 2 ले लो और मैं आपसे कहूं कि ओवर क्यू इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट. दिस इज द फील्ड, दैट इज आल्सो द फील्ड, सो दैट मींस क्या हो गया आपके पास, फील्ड ओवर फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस. सो ये सारी चीजें हमें निकालनी नहीं पड़ेंगी, ये जस्ट इसको हमें दोनों के कंपैरिजन करनी है कि किस तरीके से बन रहा है. एंड देन और अगर इसके ऊपर एन भी लगा देगा एग्जामिनर, देन वी शुड नॉट थिंक मच मोर, बिकॉज दिस इज सिंपली अज्यूम दैट यू जस्ट इसके साथ आप इसकी कंपैरिजन कीजिएगा कि ये इनसाइड क्या है. दिस इज अ फील्ड, अगर फील्ड है तो फील्ड ओवर फील्ड ये होगा. इसका सिर्फ फायदा और पर्पस ये था बेटा, ठीक है? एक एग्जांपल हमने ये ले लिया था. सेकंड एग्जांपल हमने क्या ले लिया था, सेकंड एग्जांपल हमने लिया था मैट्रिसेस का, कि भाई मैट्रिसेस में हमें क्या करना होगा. मैट्रिक्स में हमने क्या कहा था, कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिसेस है हमारे पास, राइट, ओवर द फील्ड that form, ये सभी type की, maybe the symmetric, आपकी diagonal matrix, Hermitian matrix, सब matrix इस set के अंदर आ रही थी. तो हमने कहा था कि that is a forming a vector space. So अब यहीं से ही characterize करता है examiner आपका सब space की भी जब बात करेंगे, वो निकालेगा जी ठीक है triangular matrix है, एक कहेगा जी symmetric matrix है, एक कहेगा जी Hermitian matrix है, एक कहेगा आपके पास जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स है. तो बताइए कौन सी वेक्टर सब स्पेस बनाएंगे. नहीं, वेक्टर स्पेस तो है लेकिन इसमें से हमने एक सबसेट ले लिया, सिर्फ और सिर्फ इसमें से किसका लिया सबसेट हमने, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का. इसमें से क्या लिया हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, राइट. उसके बाद हमने क्या लिया, हर्मिशियन एंड निलपोटेंट का. तो इसमें से कोई भी हमने रेस्पेक्टिव सब स्पेस ले लिया, सबसेट ले लिया, फिर हम उसको चेक करते हैं सब स्पेस, क्योंकि इस क्लास का पर्पस सब स्पेस को पढ़ना है. बट तो रिकॉल तो कर लेते हैं जिन पे हमने फोकस किया था. एक और किया था हमने, भाई मैट्रिसेस का आ गया हमारे पास, फील्ड ओवर फील्ड भी आ गया, और हमने बात की थी पॉलीनोमियल की. क्या पॉलीनोमियल, अगर आपने एक सेट हमने डिनोट किया था वहां पी एन टी, ये एक ऐसा सेट था जिसके अंदर सारे पॉलीनोमियल है, ऑल पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू एन, एक ऐसा, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें. अगर मैंने फिक्स कर दी डिग्री, अभी एग्जामिनर करेगा कि 5 डिग्री की पॉलीनोमियल है, बताइए ये वेक्टर स्पेस बनेगा नहीं नहीं बनेगा. सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें यहीं से ही, यहां से ही हेल्प लेनी पड़ती है, ओके? सो थिंक, क्योंकि वहां बेटा निकालना नहीं होता है उन चीजों को हमें, ठीक है? एग्जामिनर कभी नहीं कहता है आपको कि आप निकालो, एग्जामिनर कहता है कि आपके आईक्यू लेवल कैसा है, आपके पढ़ा है तो देखा है कैसे होता है वो, ओके? और द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट एग्जाम्पल हमने क्या किया था, रेस्ट हमने यहाँ पर नोटिस किया था फंक्शंस के बारे में, यानी कि फंक्शन स्पेस बनाया था हमने, राइट?
सो ये तो मैट्रिक्स स्पेस हो गया, ये पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस हो गया, और ये आपके पास फंक्शन स्पेस हो गया है। ये सारी चीजें थी हमारे पास। तो फंक्शन स्पेस में हमने सारे, चाहे वो इवन फंक्शन हो, और फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री, सारे फंक्शन। तो यहाँ से भी आपका सबसेट ले लेगा इसका कोई भी, कह देगा जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लीजिए, कह सकता है आपको जी इवन फंक्शन निकाल लीजिए, ऑड फंक्शन निकाल लीजिए, यानी कि सारे इस पूरे सेट में से इवन फंक्शन का एक सबसेट बना देगा। डब्ल्यू पूछेगा बताइए दिस इज अ सब स्पेस ऑफ दिस और नॉट, दिस इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट। सब स्पेस देखने का सिंपली मतलब वो देखना होता है कि उसको वेक्टर स्पेस चेक कर लो आप क्या, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज चेक करने पड़ेंगे, वो वाली बातें होती हैं। सो दिस वार द हम जो डिस्कस कर चुके थे वो सारा का सारा यही था। सिंपली हमने इसमें डिफाइन किया था कि भाई एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, एफ कोई फील्ड है, ठीक है, और एफ कोई हमारे पास यहाँ से रूल था, ठीक है। तो उनकी इमेजेस जो आई थी वही था एफ एक्स, और जिसको हमने फंक्शन स्पेस कहा था कि सारे फंक्शन आ गए हैं इसके अंदर, ठीक है, हर तरीके के रेदभाजा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए, इवन दो हमने ये भी डिस्कस किया था भाई फील्ड ओवर सब फील्ड वेक्टर स्पेस होता है, फील्ड ओवर फील्ड हम बात कर चुके हैं, लेकिन फील्ड ओवर सब सुपर फील्ड नहीं होता है, फील्ड ओवर सुपर फील्ड, ठीक है। सो दैट मीन्स मैं जैसे कहूँ आर ओवर सी नॉट वेक्टर स्पेस, ये नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। सो इसको भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार नेट में आया हुआ है, ठीक है बेटा। चलिए अब शुरू करते हैं फिर हम वेक्टर स्पेस से, वेक्टर स्पेस में क्या है। बट बिफोर दैट जस्ट आई विल चेक आउट कि सबसे पहले भाई हमारा ये सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट। ओ दैट्स फाइन, इट्स वर्किंग प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम। सो सीरिया हम बात कर रहे हैं जी सब स्पेस की। सब स्पेस देखो, इसके वर्ड से ही काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। सब स्पेस भाई, सब स्पेस, स्पेस की तो बात है ही, ठीक है। हम बात करते हैं सब का मतलब होता है उसी का ही कोई हिस्सा, यानी कि सबसेट हो। हमने कहा था कि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, बी है वेक्टर, ये है बी ओवर द फील्ड एफ, दैट इज ए वेक्टर स्पेस। अगर इस, क्योंकि बी तो एक नॉन एम्प्टी सेट था, ठीक है, और एफ कोई फील्ड था विद द टू ऑपरेशन स्टार वन एंड स्टार टू। सो इसने टोटल सारी प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, ये एबेलियन ग्रुप बना और स्केलर मल्टीप्लीकेशन और ये सारी डिस्ट्रीब्यूटिव क्लोज था अंडर आपके पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वैक्टर एंड अदर थिंग्स, ये सारी चीजें इसके अंदर थी। देखा जाए तो ये वैक्टर स्पेस फॉर्म हुआ था। यहाँ मैंने लेकिन इस सबका सबसेट उठा लिया कोई, मैंने कहा कि ठीक है भाई डब्ल्यू कोई है जो कि सबसेट है वी का, राइट। नाउ माई पर्पज इज टू चेक is it this one w is vector space or not। to natural question mind mein aata hai sir kis binary operation ke respect mein, to answer aata hai over the same binary operation jo ki hamare vector space mein use hue the, jo operation isko vector space banane ke liye, isko vector aapne kaha ki star 1 and star 2 aapke paas do binary operation use hue the to form a vector space। तो जो सबस्पेस आया उसका, उसमें भी यही दोनों बाइनरी ऑपरेशन यूज, इसको भी यही चाहिए दोनों बाइनरी ऑपरेशन। और अगर ये वेक्टर स्पेस बन जाता है यूजिंग द सेम प्रॉपर्टीज, तो हम कहते हैं कि यस दैट इज अ सबस्पेस ऑफ दिस वन, इज इट ओके। सो इसको फॉर्मली भी लिखते हैं, डेफिनेटली मैं फॉर्मली आपको जरूर लिखवाऊंगा। और एक और चीज, एक और बात आती है मन में यहीं पर कि क्या सर अब हमें सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी होंगी, जैसा कि हम पहले चेक कर रहे थे कि भाई उसकी अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप देखें और रेस्ट प्रॉपर्टीज को देखें। तो आंसर आता है नो, हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से कुछ टेस्ट हैं हमारे पास जिससे हम डायरेक्टली सब स्पेस को देख सकते हैं, और एग्जाम में जनरली क्वेश्चन सब स्पेस से ही पूछा जाता है। तो चलिए फॉर्मली भी हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सब स्पेस लिख लीजिएगा, ए सबसेट, a subset w of a vector space, of a vector space v over the field f, over the field f
is called a subspace of V if W is a vector space over F with the operation of addition and scalar multiplication. Defined on V over V. ठीक है, देखो यहाँ मेन पर्पस जो है इस बात को लिखवाने का आपको ये है कि दो चीजों पे एम्फेसिस है यहाँ पर. पहली बात तो ये W सबसेट होना चाहिए, दैट इज ए सबसेट ऑफ दिस वन, इस V का. दूसरी बात, ये वेक्टर स्पेस बनाए और सेम बाइनरी ऑपरेशन का डिफाइंड ऑन V ना, यानी कि सेम बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज सेम ऑपरेशन एज यूज्ड इन V में, यानी कि जो आपने वेक्टर स्पेस बनाया जो उसमें ऑपरेशंस यूज हुए वही होने चाहिए जी, ये इसका पर्पस है. चलिए ये तो हम देख लेंगे, और हम रूल से नहीं, हम टेस्ट भी बताएंगे आपको, तो टेस्ट से पता लग जाएगा. लेकिन यहाँ पर आता है भाई, हम एक नेचुरल सी बात आती है, जब हमारे पास सब स्पेस आया तो दो बातें आई. पहली तो आती है जी, आपका जो सब स्पेस है क्या वो प्रॉपर है. दूसरी बात आई, क्या वो इम्प्रॉपर है. तो यानी कि हमने सब स्पेस को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर. तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं इम्प्रॉपर और प्रॉपर सब स्पेस के बारे में. इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सब स्पेसेस. क्या है भाई ये इम्प्रॉपर प्रॉपर सब स्पेसेस? इफ वी, देखो इटसेल्फ कहूं मैं और एक सिंगलटन यानी कि सिर्फ आइडेंटिटी मिल जाए तो हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, रेस्ट जो प्रॉपर हो जाते हैं. तो चलिए इसको लिख लेते हैं. इफ वी इज एनी वेक्टर स्पेस देन वी and the subset consisting of zero vector alone. तो सिंपली मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, एक ऐसा सेट जिसमें जीरो वेक्टर है. ठीक है, मैंने वेक्टर बना दिया, इसके ऊपर बार लगा दिया. ठीक है, इज ए सब स्पेस एंड कॉल्ड इम्प्रॉपर सब स्पेस. यानी कि खुद वेक्टर इटसेल्फ, और अगर क्योंकि देखो सबसे पहले तो मुझे सबसेट ढूंढना है ना, तो सबसेट पूरा का पूरा खुद ही हो तो भी इम्प्रॉपर बोल देंगे, और सिर्फ सिंगल एक यानी कि जीरो वेक्टर हो. देखो इस जीरो वेक्टर का मतलब मैंने कल भी बताया था बेटा, जितने भी टपल्स का ले रहे हो, जीरो 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 मैं कहूंगा आर एन का एलिमेंट है. इफ यू आर फॉर्मिंग ए वी इज ए आर एन ओवर आर, तो दिस मीन्स दिस इज अ वेक्टर. और ये टोटल कितने हैं? एन टपल्स हैं, n times n tuples हैं ये total. ठीक है ना, तो this is subspace called the improper subspace. ठीक है, and these two are called improper subspace
and the subspace. The subspace other than zero and V is called proper subspace. Is called proper subspace. तो भाई देखो हमें ये भी मालूम हो गया कि subspace क्या है, हमें ये भी मालूम हो गया improper subspace क्या है. अब हमारा purpose है ये जानना कि भाई इस subspace को हम identify करेंगे कैसे. कोई भी subset दे देगा examiner आपको, ठीक है, आप कैसे उसको identify करोगे. तो इसके लिए हमने बनाए टेस्ट, क्योंकि हमेशा ये जरूरी नहीं कि हम इसी से प्रोसेस करते रहे कि भाई सारी प्रॉपर्टी जो हमने पीछे वेक्टर स्पेस में देखी थी, क्योंकि वेक्टर स्पेस ही चेक करना है तो उनको देखे नहीं, हमारे पास है कुछ टेस्ट. तो चलिए सबसे पहले हम टेस्ट की बात करते हैं जिसका नाम दिया हमने टू स्टेप टेस्ट. मैं बताऊंगा आपको कि टू स्टेप में है क्या. टू स्टेप टेस्ट यानी कि दो ही स्टेप यूज करेंगे आप और यू विल गेट योर रिजल्ट. टू स्टेप टेस्ट, ए सबसेट W, कोई भी सबसेट है मेरे पास, ए सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F. मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ओवर द फील्ड F इज ए सब स्पेस of the vector space V if and only if and only if first condition W is a non-empty. इस condition को generally नहीं लिखते हैं लोग, ठीक है, but you should keep in your mind be कि ऐसा ना उसमें कोई element ही ना हो, ठीक है. तो ऐसा अब्सर्ड रिजल्ट दिया हुआ और आप उस पे लगाए जा रहे हैं टेस्ट, दैट इज अ रॉन्ग थिंग. ऐसा सबसेट नहीं चूज करना है, दैट शुड बी द नॉन एम्प्टी, ठीक है. सेकंड थिंग, फॉर ऑल एक्स वाई या डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू भी कह सकते हो, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स इन द डब्ल्यू, ओके, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स इन डब्ल्यू, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स इन डब्ल्यू. ये जो लिखा है ना, चलिए अभी बताता हूं इसका मतलब. और सी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन द फील्ड, कोई भी मैं स्केलर ले लूं, ठीक है, फॉर ए बिलोंग्स इन द फील्ड एंड एक्स बिलोंग्स इन द डब्ल्यू, ए एक्स मस्ट बिलोंग्स इन द डब्ल्यू. देखो बेटा, दिस इज नथिंग. आप जब हम ग्रुप प्रूफ कर रहे थे और ग्रुप में हमने स्टडी किया था, तो आपने वहां भी सब ग्रुप बनाए थे, और सब ग्रुप बनाने में क्या, ए बी इनवर्स, क्योंकि यहां तो एडिटिव ऑपरेशन लगाया, सो दैट इज अ नथिंग, दैट इज अ इनवर्स ऑफ दिस वन, ठीक है ना. सो वही सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज यूज की गई है. ये क्लोजनेस को देख रहा है, ये आपका भी क्लोजनेस को देख रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हो जाता है, ये आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में हो जाता है बेटा, ठीक है. सो दिस इज अ थिंग. तो इन दोनों चीजों को हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की है इसने. ये टू स्टेप टेस्ट है कि आप देख लो, W नॉन एम्प्टी हो, X माइनस Y बिलोंग करता हो, X Y अगर कोई, यानी कि दो एलिमेंट है मैंने W के लिए, तो उनका सबट्रैक्शन मस्ट बी इनसाइड दिस वन, एंड अगर इफ आई एम टेकिंग इन वन एलिमेंट फ्रॉम द स्केलर एंड वन फ्रॉम द वेक्टर, देयर प्रोडक्ट शुड बी द इनसाइड W, राइट. नाउ देन इन्हीं दोनों टेस्टों को, इन्हीं दो टू स्टेप टेस्ट को मर्ज कर दिया गया. कैसे, ये दो स्टेप थे मेजरली, फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया सिंगल टेस्ट. इसको क्या कहते हैं, वन स्टेप टेस्ट. वन स्टेप टेस्ट क्या है जी, चलिए, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space V over the field F is a subspace of V
if and only if, बेटा ये if and only if condition important होती है, ये word जो दोनों में लिखे हुए if and only if, ठीक है, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है, एक दूसरे को reversely implies कर देते हैं, if and only if alpha x plus beta y belongs in W for all alpha and beta belongs in the field and x and y belongs in the W for all this one, ठीक है, so that was the thing, अभी हम questions भी करेंगे इस पे, तो और भी ज्यादा clear हो जाएगा, इसी दोनों चीजों को यहाँ मर्ज कर दिया, देखो बीटा की अगर मैं कहूँ आपके पास इसमें ही अल्फा इज इक्वल टू वन एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस वन, सो व्हाट हैपन विद दिस कंडीशन, दिस विल बिकम एक्स माइनस वाई बिलोंग्स इन डब्ल्यू, सो यू विल गेट दिस कंडीशन, मैंने कहा आपके पास कि ठीक है अल्फा इज इक्वल टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू जीरो, सो दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट ए एक्स बिलोंग्स इन डब्ल्यू, सो एनी हाउ दैट मीन्स दोनों कंडीशन को मर्ज करके हमने एक सिंगल कंडीशन बनाई है, तो चाहे आप ये टेस्ट लगाएं चाहे आप ये टेस्ट लगाएं, दोनों से प्रिकॉशनेबल पॉइंट इन जनरल, देखो इसका मतलब क्या होता है, जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है ना, इसका फायदा क्या होता है हमें, इसका फायदा मिलता है जब हमने कहा कि c ओवर r हम निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये दिस इज द एंट्री ऑफ द फील्ड, ये एंट्री फील्ड की है, सो जब हमें फील्ड की, हमें लग रहा है कि फील्ड से हमें फील करना है अपने सब स्पेस, फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में यही आनी चाहिए कि नहीं हमें मानना ही नहीं है कि ये सब स्पेस है, तो उसको सब स्पेस नहीं मानना है तो हमें कहीं ना कहीं फील करना दिखाना होगा, तो जनरली हम इसको यहाँ पर फोकस करते हैं जब हमारे फील्ड ऐसे दिए हों, इन जनरल कॉम्प्लेक्स के केस में होता है, ठीक है, रेशनल नंबर के केस में होता है हमारे पास ऐसे फील्ड अगर आ जाए तो, ठीक है, तो चलिए ये तो रही बात इनकी कि हमें सब स्पेस भी बनाना आ गया है, हमें वेक्टर स्पेस का भी पता लग गया है, उसके सब स्पेस का भी और टेस्ट भी पता लग गया है, टेस्ट से भी हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन फर्स्टली हम कुछ की पॉइंट्स जानते हैं जो कि नेट के एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, तो व्हाट आर द की पॉइंट्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस की पॉइंट्स, की पॉइंट्स, फर्स्ट की पॉइंट क्या है, द इंटरसेक्शन The intersection of subspace of a vector space is a subspace of V. Already net में आया हुआ है, वहां पर भी यही पूछा गया था कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और जिसमें दिया गया था कि बताइए कि इंटरसेक्शन ऑफ द सब स्पेस इज ए सब स्पेस और नॉट, यूनियन ऑफ सब स्पेस इज ए सब स्पेस और नॉट, तो ऐसी कुछ कंडीशंस दी हुई थी, तो पहला की पॉइंट यस वेक्टर स्पेस होता है जी, अगर हमने इंटरसेक्शन की बात की है, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस ऑफ V. सेकेंड की पॉइंट व्हाट इज दैट, लेट हमने मान लिया W1 और W2, W1 and W2 be two subspace, be two subspace of a vector space V. Of a vector space V, then W1 union W2 is subspace of V, is subspace of V if and only if and only if either W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1. दोनों में से जब एक दूसरे का कंटेंट होगा तभी होगा, तो वहां एग्जामिनर ने ये कंडीशन को स्किप किया हुआ था और पूछ लिया था आप लोगों से कि यूनियन भी सब स्पेस होगा या नहीं होगा, मन करता है कि हाँ होगा जी यूनियन में तो सारे आ जाएंगे, नहीं होता है बेटा, ठीक है,
ये तभी होता है जब एक दूसरे के अंदर ये कंटेन्ड हो, दैट इज अ थिंग, ओके, वरना इंटरनल क्लोजनेस प्रॉपर्टी फेल हो जाती है जी। थर्ड की पॉइंट भी आप लिख लीजिए, व्हाट इज दैट, एनी सब स्पेस ऑफ वी, एनी सब स्पेस of V that consists that contains both both W1 and W2 must contain W1 प्लस W2। तो भाई थियोरेटिकल ऐसे पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है ना, कि ये स्टेटमेंट दे देगा, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर W1 W2 हैं आपके पास सब स्पेस कंटेन बोथ W1 W2, तो पक्का कंटेन करेगा, इवन दो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वन। तो आपको मैं लिख सकता हूँ यहीं पर, दैट इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज W1 प्लस W2 इज द स्मॉलेस्ट subspace containing both W1 and W2. So that is a thing here. So ये तीनों key points यहाँ subspace से आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ये theoretical रूप में change होते रहते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम सब स्पेस बना चुके हैं, तो कुछ उनके एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई हमें अगर एग्जांपल दे दे तो हमें कैसे इसको करना होगा। एग्जांपल फर्स्ट मैंने ले लिया है आपके पास, कंसीडर कर लीजिए आप, वी हमारे पास कुछ ऐसा है, कंसीडर वी इज सिंपली आर टू ओवर आर दिया गया है, एंड W1 is equal to what? That is simply x comma 0 such that x belongs in R, set of real number. और पूछ रहा है check whether W1 is a subspace or not. W भी कह सकता हूँ मैं इसको, W1 भी कह सकता हूँ. So I will just say this is a W. I will say it's a W, right? So consider V is this and W is this. Then check whether W is a subspace or not. तो subspace के लिए तो हमें conditions check करनी होंगी, लेकिन बेटा देखो conditions पे ज़्यादा विश्वास मत करना, कि उसी conditions पे ही हमें focus करना है। थोड़ा सबसे पहले visualize करो, इसको देखने के बाद ये है क्या, W है क्या, तुम्हें feel होना शुरू करना होगा conditions से ही, agree? But बेटा हमेशा हो जाएगा उन conditionsों से, लेकिन आपको ये visualize करना चाहिए, इसमें क्या है, क्या कहना चाह रहा है, इसमें property क्या है। आप सोचो, given क्या है आपको, गिवन है, मेरा पर्पस यहाँ आपको सिर्फ और ये सबसे बताना है, ये क्वेश्चंस तो आपको हमेशा ही मिल जाएंगे। W is equal to दिया हुआ है x comma 0 such that x belongs in R, right ना? So notice कीजिए, एलिमेंट लिखने की कोशिश कीजिए इसके अंदर कैसे कैसे एलिमेंट है। x belongs in R यानी I can put x is equal to 0, so the first element is a 0 and 0. What is the second element? मैंने कहा कि ठीक है पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं x की सबसे पहले, तो 1, 0, 2, 0, 1/2 भी आएगा, obviously 1/2 सारे numbers आ रहे हैं, that means I will say a, 0, right? Now then, अब मैं क्या कह सकता हूँ, -1, 0 भी आ जाएगा, -1/2, 0 भी आ जाएगा जी, and simply अगर मैं चलता हूँ तो -a, 0, मैं ये सारे element है। But एक common चीज देखिए, property से मतलब होता है, common चीज क्या, इन सब का जो second tuple है, this tuple is 0, right? R2 over R पर हमने ये देखा कि जो सेकंड टपल है दैट इज ऑलवेज 0, यानी कि द सबस्पेस इज ऑफ द टाइप इन व्हिच सेकंड टपल इज ऑलवेज 0, राइट? फर्स्ट थिंग। नाउ देन हमें चेक करना है दैट इज द सबस्पेस ऑफ दिस वन और नॉट, हमें यानी कि चेक करना है कि ये इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो वेक्टर स्पेस होने का मतलब है हम कहेंगे कि W अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए,
अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, हाँ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी एडिटिव आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी, और वो क्या होती है जी, 00, क्या इसके अंदर है, यस दैट इज अवेलेबल इन दिस वन। ठीक है, कुछ लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, कुछ लोग इसको विजुअलाइज करके देखते हैं, तो जस्ट थिंक कि विजुअलाइज करना आना जरूरी है बेटा, यस 00 इसके अंदर है, बस सबसे पहले आप यहाँ ये चेक करना, उसके बाद वो टेस्ट लगा देना अपने। सो नाउ देन व्हाट इज दिस, यानी कि 00 तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या देख लिया जी, फर्स्ट कंडीशन आपने देखा 0.0 बिलोंग्स इन W, राइट फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अब आप क्या किया आपने, हमने मान लिया लेट, सेकेंड के लिए लेट हमारे पास एक W1 है, W1 एंड एक W2 है, दोनों के दिनों बिलोंग करते हैं W के अंदर, इसी W के अंदर। सो दोनों कैसे होंगे, इसी फॉर्म के होंगे, यानी कि दैट इज दिस इंप्लाइज W1 भी ऑफ दिस फॉर्म, X1 और 0, यानी कि सेकेंड टपल 0 हो जिसके अंदर, राइट, यानी कि X1 बिलोंग्स इन R, और सिमिलरली W2 भी ऐसा ही होगा हमारे पास, यानी कि हमने मान लिया X2.0 जिसके अंदर सेकेंड टपल 0 है, यानी कि X2 बिलोंग्स इन R। नाउ देन हमें क्या कहा गया था, हमें निकालना है अल्फा ऑफ W1 प्लस बीटा ऑफ W2, वी हैव टू बी डिटरमाइन दिस, और चेक करना है कि ये W के मेंबर है या नहीं है, तो चलिए लिख लेते हैं जी इनकी जगह पर, अल्फा में अल्फा बोथ आर द स्केलर वैल्यूज, अल्फा एंड बीटा आर कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ अ रियल नंबर, बिकॉज दिस इज अ फील्ड, आपके पास क्या फील्ड दिया गया है, सेट ऑफ अ रियल नंबर। ओके सो नाउ देन व्हाट हैपेंड, सो अल्फा बी W1 की वैल्यू क्या जी हमारे पास, X1.0 प्लस बीटा एंड X2.0। सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस, अल्फा ऑफ X1 प्लस बीटा ऑफ X2.0, यू कैन से देयर इज नथिंग, दैट इज आवर X3.0, हमने मान लिया X3 इज इक्वल टू अल्फा X1 प्लस बीटा X2, सही हमने मान लिया। सो इज इट दिस अ फॉर्म, जैसे कि इसके एलिमेंट थे यस, जिसमें सेकंड टपल 0 है, इसका मतलब क्या होगा, दिस बिलोंग्स इन द W, और अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कहते हैं, W इज अ सबस्पेस ऑफ दिस वन, so this implies W is subspace of अपना किसका, V का, that's the thing, first thing हमें ये देखने दी। और अगर आप एक एग्जामिनर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें, देखो मैं प्रॉपर्टी वाइज इसको एक्सटेंशन करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, आपको अच्छा लगेगा, नेक्स्ट देखिएगा। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें मैंने कहा कंसीडर कर लीजिए, वी एज इट ले लेते हैं, R2 ओवर R एंड W इज इक्वल टू 0, Y सच दैट Y बिलोंग्स इन द फील्ड सेट ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है ना। सो अब आप नोटिस कीजिए बच्चा लोग, आपने पिछली बार क्या फिक्स किया था, सबसे पहले तो उसके एलिमेंटों को देखिए कैसे हैं, 0 और 0, 0.b एंड 0.-b, ठीक है ना, एंड b बिलोंग्स इन द सेट ऑफ अ रियल नंबर, कोई भी b हमारे पास हो सकता है, राइट। सो इन तीन तरीके, मुझे तीन देखने का मतलब मेनली मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये अवेलेबल है या नहीं है, फर्स्ट थिंग मेरी ये पर्पस रहता है कि 00 इसके अंदर है या नहीं है, जैसे जनरली ये बेटा इस पे डिपेंड करता है कि किस बाइनरी ऑपरेशन लिखो को लेकर के आपने वेक्टर स्पेस बनाया। आई नो दैट इज अंडर एडिशन एंड स्केल मल्टीप्लिकेशन, सो दैट्स व्हाट आई एम जस्ट चेकिंग हियर दैट कि 00 इसके अंदर है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन है, मैंने सबसे पहले देखा यस 0.0 बिलोंग्स इन द W। सेकेंड कंडीशन में अब मैं वापस ऐसे ही कोई दो वेक्टर्स ले लूंगा इसके, क्योंकि देखो एक टपल पे देखा हमने, तो हम देख मन करता है कि भाई सेकंड टपल को भी देखो, इसके पास प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट टपल इज 0 फॉर द ईच वेक्टर, फर्स्ट टपल, सेकंड के लिए हमने कोई कंडीशन नहीं दी है, लेकिन फर्स्ट के लिए फर्स्ट तो पक्का 0 है जी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, फर्स्ट टपल इज 0, तो जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका 0 है, सो
हम दो सब स्पेस ले लेते हैं, हमने वापस मान लिया लेट वापस W1 एंड W2 टू बिलोंग्स इन द W, अगर W के अंदर है तो इसका मतलब क्या होगा, कैसे होंगे, जिनका ऐसे वेक्टर्स होंगे जिनका फर्स्ट टपल जो है जीरो होगा जी। हमेशा बिल्कुल सिंपली ध्यान रखो, कुछ सोचना ही नहीं होता, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं बेटा, सारे ही क्वेश्चंस इजी होते हैं, डोंट थिंक कि सर इजी वाला करा रहे हैं, नहीं बेटा आप कोई भी ले आइएगा वो सारे इजी हैं, बट आप ये ध्यान रखिए वो आपको यहाँ हिंट क्या कर रहा है, इसको दिख करके हमें नहीं लगता कि वो क्या प्रॉपर्टी दे रहा है, प्रॉपर्टी कह रहा है कि आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज जीरो, ऐसा सब स्पेस है, ये तो मालूम है उसको, उसने ये निकाल लिया, इसके अंदर है क्या, दैट इज नथिंग, एक्स वाई वाले हैं सारे टपल्स इसके R2 के यही तो हैं, सारे टपल्स में एक्स वाई टाइप के हैं, अब इसने एक बार कहा कि जीरो है, एक बार कहा वाई है, तो ऐसे ही तो कंडीशंस देगा, यानी कि सबसेट ही तो निकाल दिया आपने, तो ये दिस इज अ सबसेट, ऐसा सबसेट है आपके पास, राइट। तो फर्स्ट मैंने सबसेट को ही आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर देखा अंडर एडिशन वॉइडेड वाली प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है, अब इन ग्रुप बनता है नहीं बनता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है ये वाली प्रॉपर्टी फेल होती है बेटा, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ देन कम दिस वन, अभी मुझे क्या देखना होगा, alpha of W1 plus beta of W2, what is this value, so alpha हमने किया 0 with Y1 plus beta and 0, Y2, what is this value, this is a nothing, that is a 0, alpha Y1 plus beta Y2, similarly here क्या मान सकते हैं इसको Y3, तो similarly क्या हुआ, इसको हमने मान लिया यहाँ पर says that is belongs in the W, इससे भी क्या निष्कर्ष मिला आपका, that means W is a subspace of किसका, subspace of सर बार 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 आप इस जीरो को लेके आते हो, इसको सेट बनाते हो, क्या जरूरत है, हम तो सीधा भी देख सकते थे, बिल्कुल देख सकते थे, नोटिस कीजिए एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल पे क्यों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका कुछ एडवांटेज है, हम वापस कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर कर लीजिए कि मेरे पास जो V है दैट इज द सेम वन, यानी कि R2 ओवर R ही है, लेकिन जो मैं इस बार W ले रहा हूं एंड माय W इज इक्वल टू सिंपली 1, कोई भी मैंने कहा कि Y है 1, Y सच दैट Y belongs in the set of real number, right? So, अब नोटिस कीजिए आपके पास W कैसा आ गया जी, W is equal to क्या क्या आ गया, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1/2, सारे that means 1, a, right? हर एक values आ गई, अब a may be the positive value, a may be the negative value, but सारे आए, बट क्लियरली यहां से क्या इंप्लाइज हुआ, 0, 0 डज नॉट बिलोंग्स इन द W, जीरो वेक्टर W में नहीं है, 0, 0 वेक्टर, ठीक है, क्यों 0, 0, क्योंकि बेटा ये R2 के हैं और R2 के अंदर दो ही कोऑर्डिनेट होते हैं, दो ही टपल होते हैं x और y, ठीक है, दैट्स व्हाट, सो ये वेक्टर 0 वेक्टर इसके अंदर नहीं है, सो दिस इंप्लाइज दैट W इज नॉट vector subspace of W is not subspace of V, subspace of V, भाई एडिटिव आइडेंटिटी तो आए, उसकी भी तो 0, 0 थी, वो तो पक्का यहाँ आनी ही आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो ये अंडर एडिशन विल नॉट बी द अबेलियन ग्रुप, तो पहली प्रॉपर्टी ये फेल हो जाएगी, इसलिए 0, 0 को ढूंढते हैं, इसलिए से हम सर्च करते हैं, सबसे पहले अपने सेट को आइडेंटिफाई करो, सेकेंड स्टेप होता है आपका 0, 0 को देखो, उसके बाद आप अपना अपना गिवन जो टेस्ट है वो लगाएं, चाहे आप 1 स्टेप टेस्ट यूज करें चाहे आप 2 स्टेप यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या एग्जांपल ले लेते हैं जी, ये जो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ इनका पर्पस सिंपली ये है कि आप फील करने लगा शुरू हो जाए इनको कि भाई हाँ ऐसा देखने से ऐसा दिखने लगेगा, जैसे कि लेट कंसीडर द वेक्टर स्पेस R3 ओवर R, कंसीडर द वेक्टर स्पेस R3 ओवर R,
और ये मान लीजिए armlet W is, अब R3 और R माना है तो इसी का ही सबसेट होगा, यानी कि 3 tuples at list रखेगा A, B and C, such that A is equal to B is equal to C. क्या मतलब है इसको? सबसे पहले मेरा पर्पस होता है, देखो बेटा जी, इसको आपको मॉडिफाइड करना पड़ सकता है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, दैट इज अप टू यू कि आप इसको कैसे करते हो. देखो W की वैल्यू ABC दी गई है ना, सो नोटिस कीजिएगा, W इज इक्वल टू, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, W इज इक्वल टू सिंपली A, A और A. सर ऐसा क्यों लिख दिया? बिकॉज ऑल दीज वैल्यूज आर इक्वल, तो दिस इज अ थिंग, ठीक है ना. सच दैट भी हो गया है हमारे पास. अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सच दैट क्या होगा, सच दैट A बिलोंग्स इन R, सच दैट A belongs in the set of a real number. So what happened in this case? आपके पास जो W set आया वो कैसा आया? 0, 0, 0. Right? Now then, free variable कितना? 1. So that is a nothing, बेटा. That is geometrically. अगर आपसे कोई examiner पूछ ले, what do you mean by this a geometrically? This is a line passes through the origin geometrically. ठीक है? So, W क्या है? सिंपली एक लाइन है. तो 0, 0 वेक्टर भी है जी इसके अंदर, राइट? 1, 1, 1 भी है जी. कुछ भी ले लो इस तरीके का आपके पास सारे हैं, चाहे सारे नेगेटिव ले लो, चाहे सारे पॉजिटिव ले लो, राइट? यानी कि हर टपल पे सेम वैल्यू आने वाली है. तो 0, 0 बिलोंग तो कर गया जी. अब आप चाहें तो सारी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. मैं वही मान सकता हूँ यहाँ पर दो, मैंने कहा कि भाई W1 इज इक्वल टू A1 और A1 आ गया मेरे पास, W2 मैंने मान लिया है, लेट W1 एंड W2 बिलोंग्स इन द W, तो वो कैसे हो जाएंगे? W विल बी ऑफ दिस फॉर्म एंड W2 इज इक्वल टू, मैंने कहा भाई A2, ये इस फॉर्म के हैं मेरे पास. तो ऑब्वियसली अल्फा ऑफ W1 प्लस बीटा ऑफ W2 विल बी व्हाट? दैट इज अ सिंपली alpha time of a1 plus beta time of a2 and a2. So simply that will become alpha a1 plus beta a2. Another one will be the same tuple, alpha a1 plus beta a2 plus. Similarly alpha a1 plus बीटा A2, तो सेम टर्म आ गया ना. तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज नथिंग, A3 तो क्या हो गया जी, बिलोंग्स इन द W. तो इसका मतलब क्या हुआ, W इज सबस्पेस ऑफ V. ये मेरा पर्पस नहीं है सॉल्व करना, मेरा पर्पस है इसको फील करना, ये क्या बनते हैं सेट बेटा. अगर इन सेट को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो क्वेश्चंस नहीं रुकता, कैसा भी हो. यहीं से मैं डायमेंशन पूछ लूंगा, कितने डायमेंशन है इसकी? 1 डायमेंशन है, एक ही तो फ्री वेरिएबल है. तो मेनी मोर थिंग आई विल आस्क, हर जगह आपको इसी का ही यूज करना पड़ता है जो ये कंडीशन दी हुई है. आ सब वहीं से रहे हैं, दिस इज अ फील्ड, ये दिस इज अ नथिंग, आपके पास फील है ओवर फील्ड ही दिया गया है, सारे क्वेश्चंस वहीं से ही बनते हैं. तो इन्हीं का ही सबसेट उठाएगा एग्जामिनर और उस पे कंडीशन इंपोज करते हुए आपसे कुछ चीजों को पूछेगा, ठीक है. सो चलिए एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का भी कर लेते हैं. आप कहेंगे कि मैट्रिक्स का तो सर हमें करा ही नहीं गया, सो लेट अस टेक दिस वन. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. लेट V इज इक्वल टू, हमने n क्रॉस n की मैट्रिक्स ले ली. लेट V इज डिफाइंड n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है. मैं इसको ऐसे लिख दिया है, बस इसका मतलब आप समझिएगा ओवर द फील्ड R, ठीक है. एंड लेट W बी, एंड W बी द सबसेट ऑफ ऑल सब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स triangular matrices
देन चेक वादर W इज अ सबस्पेस ऑफ R नॉट और नॉट. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैट्रिसेस से भी दे सकता है. सो चलिए देख लेते हैं कि इसने क्या कहा W को. इसने कहा है W को W इज अ नथिंग. उसमें कुछ ऐसी मैट्रिक्स आती हैं मेरे पास जो कि अपर ट्रायंगुलर है, यानी कि ट्रायंगल यहाँ पर है, किस एंट्रीज आ रहा जीरो. ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जी, अपर साइड ट्रायंगुलर है और नीचे तो सारा का सारा जीरो. अब हम चाहें तो ए आई जे से भी कंडीशंस लगा सकते हैं, क्योंकि आप मैट्रिक्स को क्या लिखते हो, दैट इज नथिंग इज अ टपल हैव अ ए आई जे. ठीक है ना, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ले ली मैंने. सो दैट मीन्स यहाँ आई और जे पे भी हम कंडीशन इम्पोज करके लिख सकते हैं. बट यहाँ आप देखिएगा, सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ आपके माइंड में फिक्स करना चाहता हूँ बात, उसको फोकस कीजिए. दैट इज अ सेट, राइट. सो सबसे पहले मैं अपर ट्रायंगुलर बनाता हूँ. मैंने क्या लिया, 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, 0 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
इसने कोई कंडीशन नहीं दी कि ये जीरो नहीं हो सकते, इसने ये कहा कि इसके नीचे की जीरो हो। तो यानी कि जो जीरो मैट्रिक्स होती है ना, वो अपर ट्रायंगुलर भी होती है, वो लोअर ट्रायंगुलर भी मैट्रिक्स होती है। तो पहली बात तो आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए, ठीक है, द जीरो मैट्रिक्स इज बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो यानी कि इसके अंदर जीरो 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 वेक्टर तो है, जीरो मैट्रिक्स इसके अंदर है। तो फर्स्ट आपके पास जो कंडीशन आप लिखते थे, आपने कहा कि ठीक है जी, जीरो 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 वाला जो जीरो वेक्टर, मैं सिंपली इसको जीरो के आप लिख दे रहा हूँ या जीरो मैट्रिक्स बना दे रहा हूँ, बिलोंग्स इन द डब्ल्यू, फर्स्ट थिंग हमारी कंसिडर हो जाती है। दूसरा हमें यहाँ पर देखना होगा, ठीक है जी, हमने ले लिया, इसमें कैसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, थ्री क्रॉस थ्री ले रहे हैं, तो हमने कहा कि पहला टपल ए, दूसरा ए वन ले लिया मैंने, इसको ए टू ले लिया और दिस इज माई ए थ्री, राइट, दैट इज ए जीरो, दैट इज माई ए फोर, दैट इज माई ए फाइव, जीरो एंड जीरो, दैट इज माई ए सिक्स, राइट, दिस इज, अब ये कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, दे मे बी द जीरो, दे मे बी द नॉन जीरो, व्हाट एवर द वैल्यू, दे मे बी द पॉजिटिव, दे मे बी द नेगेटिव, ऐसी टाइप की ही सारे के सारे इसके अंदर है। अब आपको ये भी मालूम हो गया, तो हम इसके दो सब स्पेस यानी कि दो डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है जी, हम इसमें से डब्ल्यू वन को निकाल लेते हैं, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू दोनों के दोनों, हमने कहा कि लेट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू बिलोंग्स इन द डब्ल्यू, तो इसी फॉर्म के ही तो होंगे ना। सो मैंने कहा ठीक है जी, लीजिए W1 is equal to simply what? A1, A2, A3, 0, A4, A5, 0, 0 or A6. And W2 is equal to what? B1, B2 and B3, 0, B4 and B5, 0, 0 or B6. This is one. Now what I have to do, alpha of W1 plus beta of W2. Now I want to find out this one, this value. So what happened with this one, notice कीजिए, alpha का multiplication सब के साथ कर करके मैं सीधा add करके लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। So alpha of A1, okay, plus beta B1. Beta B1, that will be the first element. What the second elements kya hoga? Alpha A2 plus beta B2. Next term kya hoga? Alpha A3 plus beta B3. This term will be the zero. This term will be of this type. Alpha A4 plus beta B4. Now then, ठीक है, मैं यहाँ पर कॉमा लगा दे रहा हूँ, बट दिस इज नॉट द वे, ठीक है, हमें कॉमा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, दिस टर्म टू एलिमेंट, इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के टर्म है। नाउ देन अनदर वन इज अल्फा ए फाइव बीटा बी फाइव, दिस इज अ जीरो एंड दैट इज अ जीरो एंड दिस वन इज अल्फा ए सिक्स प्लस बीटा बी सिक्स, दिस इज द टर्म, ओके। So now then what happened? नीचे तो जीरो ही आ गया ना, मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज नथिंग, दिस इज ए सी वन C2
C2, C3, 0, C4, C5, 0, 0 and C6 again belongs in the W. Iska matlab kya ho gaya? This means, this implies that W is subspace of V. एक तो तरीका बेटा ये था, मैंने यहाँ पर ये ले लिया, लेकिन अगर मैं आपको 3x3 से बताया, बट अगर मुझे n क्रॉस n से ही बताना हो तो मैं इस कंडीशन को इम्पोज करूंगा, aij पे कंडीशन दिखाऊंगा कि भाई aij पे आपके पास ग्रेटर देन 0 है एंड रेस्ट वैल्यूज आपके पास 0 हो जाती है, ठीक है? सो दैट मीन्स हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं कि aij इज इक्वल टू 0 एंड aij is not equal to 0. कब? जब हमारे पास i नीचे को बढ़ते हैं j, ठीक है ना? So this is accordingly we can impose the condition. तो हम aij को लेकर के भी यहाँ दिखा सकते हैं, दोनों ही method होते हैं, but purpose यहाँ चूंकि आपको इसको solve कराना नहीं है, purpose है just thinking कि बेटा हमें बहुत बार यही देखना होता है, हमें जरूरी नहीं होता है कि हम उस process को go through हों, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ ना तो इतना page मिलने वाला आपको solve करने के लिए. Yes, to think. Think and think कि कैसे हो जाएगा, right? So examiner आपको यहाँ ये भी कह सकता है कि जो आपके पास W है, that is a subset of all symmetric matrices. तो भाई अगर W को ऐसा डिफाइन कर दे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, राइट? सो नाउ देन अगेन यू कैन थिंक दैट कि हम बिल्कुल ऐसा इसको प्रोसेस से कर सकते हैं. 0 0 मैट्रिक्स इज आल्सो द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ऑब्वियसली 0 0 वेक्टर उसके अंदर बिलोंग कर गया है. आप यहाँ पर भी इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है? इवन दो ऐसे ही रख सकते हैं कि ए और बी दोनों की मैट्रिक्स हैं, W की W ले लो या W2 ले लो, जो भी लेना चाहते हो. तो इसका मतलब A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होगा, B का ट्रांसपोज भी इक्वल टू B ही होगा, ये मिल गया हमें, राइट ना? तो अब आपको क्या करना होगा, A अल्फा प्लस B बीटा, B एंड बीटा इसका ट्रांसपोज देख लीजिएगा, यू विल गेट दैट सिंपली आपके पास क्या आ गया है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली. यू विल गेट दैट कि जो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स सी होगी, और दिस विल आल्सो बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी मिल रहा होगा. यू विल गेट दिस थिंग्स. तो चाहे मैट्रिक्स से करें, चाहे आप यहाँ इस प्रोसेस को लेके करें, आपका तो पर्पज इसको देखना है. तो एक मैट्रिक्स, यू विल गेट दिस मैट्रिक्स, ए अल्फा प्लस बी बीटा देख लें और उसके अंदर यही नेचर मिल जाएगी आपको. मैंने इसको सीधा लिख दिया था, ठीक है ना? दैट इज अ थिंग. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अ डायरेक्ट सम. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा यहाँ पे, लेकिन इतने सारे एग्जांपल कराना मुझे लगता है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए रादर देन टू मी कि मैं आपको इनको कर रहा हूँ. तो नेक्स्ट वन इज अ डायरेक्ट सम. डायरेक्ट सम क्या होता है, फॉर्मल डेफिनेशन. पहले कभी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता था तो एटलीस्ट आपको पता तो होना ही चाहिए, ठीक है ना? डायरेक्ट लिखिएगा, इफ W1 एंड W2 बी, इफ W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V over the field F, then direct sum of W1 and W2 denoted by W1, ये सम के साथ एक गोला लगा दीजिएगा, ठीक है? W2 एंड ईच एलिमेंट ऑफ W1
डायरेक्ट सम विद डब्ल्यू टू कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ यूनिक एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू। ठीक है, तो ये देखो ये दो चीजें ना, एक तो ये वर्ड कि ये यूनिकली एक्सप्रेस होता है इसके हर टर्म्स के उसमें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका हर एक टर्म इसके यूनिक एलिमेंट के सम के एक्सप्रेशन में लिखा जा सकता है, दैट इज अ थिंग ऑफ दिस वन। सो कैसे, आप चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं छोटा सा। लेट v इज इक्वल टू r2 ओवर r, ठीक है, एंड w1 इज गिवन टू यू, देयर इज अ सिंपली a कॉमा 0, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट इज 0 विद दिस प्रॉपर्टी, a बिलोंग्स इन r, और तो ऑब्वियसली w2 क्या होगा, 0 कॉमा b होगा, सच दैट फिर बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0। देन आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 0 कॉमन आता है इन दोनों के। अगर मैं कहूं आपके पास w1 इंटरसेक्शन w is not equal to 5 because the common element is a 0 0, ठीक है ना, 0 यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी 0, so that means इसके अलावा नहीं मिलने वाले हैं इसमें, right ना, so it's non-empty। Okay, now then, अगर मैं आपसे कहूँ कि w1 plus w2 is equal to what, that is a v completely, vector क्या है मेरे पास, vector v is my r2 over r, और इसकी वैल्यू क्या है जी, सिंपली a कॉमा b, जहां पर सच दैट a बिलोंग्स इन r एंड b भी बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर r, तो सिंपली क्या हो गया जी, w1 plus w2 belong is equal to v, तो यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो गया है हर एक टर्म इसका, दिस इज द थिंग। तो ऐसे कई क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से, यहां मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं इसी के लिए, मैं ज्यादा इसमें फोकस नहीं जाकर कर रहा हूँ, बिकॉज आई फील दैट कि बहुत समय पहले तकरीबन 8 या 9 में क्वेश्चन पूछा गया था इसका, अब नहीं आ रहा है बेटा इस टॉपिक से डायरेक्ट सम से, बट पता होना चाहिए या दो चीज ध्यान रखिएगा, देयर सम शुड बी द वेक्टर स्पेस और इंटरसेक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू 5, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। सो अगर मैंने कहा कि लेट ले लिया मैंने भाई वेक्टर स्पेस जो है मेरे पास R3 ओवर R है, ओके okay. और सिमिलरली मैंने अपने W1 डिफाइन कर दिया, W1 इज इक्वल टू XY और जिसमें थर्ड कोऑर्डिनेट इज 0, और दोनों XY कहां से आ रहे हैं, ऑब्वियसली बिलोंग्स इन द सेट ऑफ ए रियल नंबर। सिमिलरली मुझे W2 दिया गया है, और W2 में क्या कहा गया, X 0 एंड जिसमें कि सेकंड टपल मेरा 0 है, और X एंड Z बोथ, इसको Z ले लेते हैं बेटा, Z है ये, Z बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि W1 फर्स्ट कंडीशन क्या, W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू 5, एंड सेकंड W1 प्लस W2 इज व्हाट, इज इक्वल टू कंप्लीटली द वेक्टर स्पेस V, राइट ना, सो ये नो नॉट इक्वल टू V, इज नॉट इक्वल टू V, एज यू कैन सी दैट W1 प्लस W2, मैं डायरेक्टली सम कहता हूं, सो दिस इज नॉट इक्वल टू V, बिकॉज़ यहां पर क्या आ गया आपके पास, दैट इज अ 2x y और z, दैट इज नॉट इक्वल टू, यू आर गेटिंग 2x y एंड z व्हिच इज नॉट इक्वल टू x y एंड z, सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, और इंटरसेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, ओके इंटरसेक्शन में इवन इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है इंटरसेक्शन में, आप देखोगे W1 इंटरसेक्शन W2 अगर मैं करने चला तो आई एम गेटिंग x 0, 0, ठीक है, 0 0 वेक्टर तो है बट अदर भी आ गई, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास दैट इज नॉट द डायरेक्ट सम, ठीक है, W1 एंड W2 कैन नॉट बी रिटन एज ए डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 are not
इन डायरेक्ट सम ऑफ वी, ठीक है ना। दो चीजें, इसका इंटरसेक्शन तो हमें ये मिल गया है जी, और आपका ये भी देखा हमने, दोनों ही फेल हो रही है conditions, इन्हीं दो conditions को हमें चेकआउट करना होता है जी, राइट। सो दैट वॉज अ थिंग जो आज के लेक्चर में थी। अब वो या तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके ही कुछ क्वेश्चंस वेक्टर स्पेस के और सब स्पेस के क्वेश्चंस को डील करूंगा, अदरवाइज तो मैं बेसिस ऑफ डायमेंशंस पे फर्दर मूव करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप थे अनअकैडमी CSIR चैनल पर, तो इसको शेयर कीजिए वीडियोस को और लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी CSIR चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।